विजयनगर से हूँ और मेरा नाम तानिया शर्मा है। सर, मैं पार्लियामेंट में गई थी, वहाँ पे मतलब मैं पहले ब्लॉक लेवल पे मेरी सिलेक्शन हुई थी कॉलेज की तरफ से, एंड देन फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुई, एंड देन फिर मुझे स्टेट लेवल पे बुलाया गया, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड देन फिर नेशनल लेवल पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई जिसमें मैंने ऑल इंडिया सेकंड नंबर पे मैं आई, एंड देन फिर मुझे पार्लियामेंट के लिए बुलाया गया, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, नेहरू जी पे भाषण दिया वहाँ पे जाके हिंदी में। सर, हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे कॉलेज के लिए, मेरी फैमिली के लिए, और ख़ासकर मनमोहन सर का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगी कि NSS ने मुझे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आई एम वेरी थैंकफुल। NSS हर बार जो है जीसी कठुआ की जो इकाई है हाँ जी आगे रहती है हर बार, पीछे भी हमने देखा जो रितिका जसरोटिया हाँ जी सर भी वहाँ पर बोल के आए हैं, किस तरह देखते हैं बेटियों को जो है हर बार जो है वो आगे किया जा रहा है। जी सर, सर ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेटियों को आगे करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं मनमोहन सर का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज वहाँ पे पहुँची हूँ पार्लियामेंट में, और फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है कॉलेज की तरफ से, आज मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तक मैंने सभी का वेलकम किया, आज फर्स्ट टाइम मेरा वेलकम हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, सेलिब्रिटी की तरह फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों क्या संदेश रहेगा जो जिनमें हाँ सर, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए, मेरे लाइफ का एक ही रूल है कि खुद पे विश्वास रखो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती वो भी पॉसिबल है अगर हम खुद पे विश्वास रखें, और बाकी डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी हम अगर बाहर निकलेंगे आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमें आगे आना ही चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। मैं प्रोफेसर